नमस्कार दोस्तों, आ गए हम अपनी नई वीडियो के साथ। देखिए, हमने बहुत बारी लोगों को कहते हुए देखा है या सुना है कि क्यों नहीं सरकार ऐसा करती है या क्यों नहीं हमारी हमारा लॉ सिस्टम ऐसा करता है कि तुरंत ही अगर किसी बंदे पे हमें शक है उसका हम नार्को करवा ले, पॉलीग्राफी करवा ले, ब्रेन मैपिंग करवा ले, मतलब इस तरीके की टेस्ट करके, मेनली नार्को टेस्ट करके हम उससे ही पूछ लेते हैं कि आखिर में उसने ये क्राइम किया है कि नहीं। तो आज हम आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों हमारा लॉ सिस्टम नहीं कर सकता है और ये नार्को सिस्टम कितना ही हमारे संविधान के प्रति सपोर्ट किया, हमारे संविधान के द्वारा सपोर्ट किया जाता है और कितना नहीं। तो आज हम इसी बात पे चर्चा करेंगे अपनी वीडियो में। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो आज हम जानेंगे कि लीगल स्टेटस क्या होता है नार्को टेस्ट, नार्को एनालिसिस टेस्ट या ब्रेन मैपिंग या फिर पॉलीग्राफी। पॉलीग्राफी आगे जानते हैं, पॉलीग्राफी टेस्ट क्या होता है। तो हम जानते हैं सबसे पहले कि नार्को एनालिसिस टेस्ट होता क्या है। नार्को एनालिसिस टेस्ट वो होता है जिसमें एक ड्रग होती है, एक दवा होती है, सोडियम पेंटोथल। वो जो है वो पर्सन की बॉडी में इंजेक्ट की जाती है, जो क्या होता है, ब्लड के थ्रू वो बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती है और उसके बाद में उससे इंसान जो होता है एक हिप्नोटिक स्टेट में या फिर एक हल्का सा बेहोशी के उसमें चला जाता है। उसके बाद वो उसकी जो इमेजिन करने की क्षमता होती है वो खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से उससे जो भी सवाल पूछे जाते हैं वो उन सवालों का वही जवाब देता है जो उसके दिमाग ने या उसके सेंसेस ने देखा या सुना या किया होता है। पर्सन होता है वो पूरी तरह से झूठ बोलने की हालत में अब नहीं होता है, तो जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो उन्हीं का आंसर करेक्ट कर देता है। तो इससे वो इंसान झूठ बोलने की स्टेट में बिल्कुल नहीं होता है। तो ये होता है हमारा नार्को एनालिसिस टेस्ट। इसमें मेन क्या है, सोडियम पेंटोथल जो केमिकल या जो भी जो बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है ड्रग, उसे सोडियम पेंटोथल कहते हैं। दूसरा हमारा पॉलीग्राफी टेस्ट। पॉलीग्राफी टेस्ट जिसे हम लोग जानते हैं लाई डिटेक्टर टेस्ट के नाम से भी, आपने ज्यादातर फिल्मों वगैरह में या कहीं भी जहां सुना होगा इसी तरीके से लाई डिटेक्टर टेस्ट, जिसमें कुछ तार आपने देखा होगा इंसान के सर के पास, दिल की धड़कन के पास लगा देते हैं, जिससे उसकी हार्ट उसका ब्लड प्रेशर, उसकी रेस्पिरेशन या उसकी स्किन कंडक्टिविटी के थ्रू ये पता लगाया जाता है कि जो बंदा आंसर दे रहा है उस समय उसके हार्ट और बीट या ये सभी चीजें ऑब्जर्व की जाती हैं, क्या उस टाइम पे वो झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। उसे कहते हैं पॉलीग्राफी टेस्ट। वो एक तरह का मेजरमेंट होता है उस पर्सन के हार्ट रेट का, बीपी का, रेस्पिरेशन एंड स्किन कंडक्टिविटी का। और इसका जो यूजुअली पर्पस होता है ये प्रूव करने का कि पर्सन ने क्राइम कमिट किया है या नहीं किया है। तो ये हमारा हो गया पॉलीग्राफी टेस्ट या लाई डिटेक्टर टेस्ट। अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पे, जिसके हमारे कानून में बहुत सारी प्रोटेक्शंस दिए गए हैं एक्यूज्ड के लिए भी। अगर लॉ और राइट्स बने हैं तो वो हर पर्सन के लिए है, चाहे वो एक्यूज्ड ही क्यों ना हो। तो हम इसके लिए पढ़ते हैं मेनली आर्टिकल 20 का क्लॉज 3 रेलेवेंट है। वो है कि वो सेल्फ इंक्रिमिनेशन की बात करते हैं, मतलब सपोज अगर आपने कोई मर्डर किया, मैंने कोई मर्डर किया और मैं कह भी दूं कि मैं, और मेरे को जबरदस्ती नहीं फोर्स किया जा सकती है, मैं कह दूं हाँ मैंने मर्डर किया, मेरे को जेल में डाल दो, तो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि कोई भी सेल्फ इंक्रिमिनेटेड आंसर नहीं दे सकता। या मुझसे घुमा फिरा के पुलिस या कोई भी पूछे कि ये बताओ उस दिन तुम वहां गए थे, तुमने ऐसा किया था, नहीं नहीं आप नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। और ये जो नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफी टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट, इस तरीके कोई भी टेस्ट, ये सारे ही सेल्फ इंक्रिमिनेटेड होते हैं। उसमें पर्सन जो होता है, जो एक्यूज होता है, वो अपने ही खिलाफ वो आंसर देता है या उससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक तरह से उसी के अगेंस्ट यूज किए जाने वाले होते हैं। तो ये चीज को बार करता है हमारा आर्टिकल 20 क्लॉज 3, जो एक्यूज के राइट को भी जिंदा रखता है और वो ये चीजें करने से मना करता है, सेल्फ इंक्रिमिनेटेड आंसर्स देने से वो मना करता है। नहीं तो फिर क्या होगा, पर्सन ने बोला और वो खुद ही से खुद ही का विटनेस बन गया। अब वो चाहे वो उसे डरा धमका के किया जाए कैसे भी, क्योंकि मोस्टली नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफी टेस्ट, ब्रेन मैपिंग, इन सभी टेस्ट में ये माना जाता है कि ये मैनिपुलेटिव होते हैं, ये फैब्रिक, इसे बनाया जा सकता है, इसे तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। तो इसीलिए कोर्ट कभी भी 100% इस पे इसको कंक्लूसिव प्रूफ नहीं मानती और इसके बेसिस पे किसी पर्सन को अपने ही खिलाफ विटनेस बना करके उसे कोई भी पनिशमेंट नहीं दे सकती। ये इसी और आर्टिकल 20 क्लॉज 3 एक्यूज के उसी राइट को सेव करता है, उसी राइट को प्रोटेक्ट करता है। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 वो जो सेल्फ इंक्रिमिनेशन का राइट है एक्यूज का, उसको प्रोटेक्ट करता है। अब देखिए, ये दो तरीके से होता है। अब हम इसकी जो पूरी टेस्टिंग है ये कैसे होती है और कितनी ये यूज की जा सकती है और कितनी नहीं यूज की जा सकती है। तो एक तरीका होता है वॉलंटरी और एक होता है इनवॉलंटरी। वॉलंटरी जो होता है
वॉलेंट्री यानी कि आपने जिसका नार्को टेस्ट करना है उसकी कंसेंट ले ली है, ठीक है। देयर आर चांसेस ऑफ मैनिपुलेशन एंड फैब्रिकेशन ऑफ रिजल्ट्स बाई बाई वेस्टेड इंटरेस्ट। ये जो वॉलेंट्री है इसके साथ में एक ड्रॉबैक है कि भले ही ये वॉलेंट्री पर्सन जो है ना, जो एक्यूज है वो कंसेंट दे रहा है, बट फिर भी इसके मैनिपुलेशन और फैब्रिकेशन का चांस होता है। एक तो इसका मैनिपुलेशन फैब्रिकेशन पॉसिबल होता है, ठीक है। दूसरा है हमारा इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री है मतलब कि अगर जो बंदा है उससे बिन पूछे ही आप जबरदस्ती उसको बहला फुसला के या फोर्सफुली उसको मारपीट के उसके ऊपर आप नार्को टेस्ट कर लो, तो वो रिलायबल भी नहीं होगा और कोई किसी भी तरीके का कोई कॉन्क्लूसिव एविडेंस नहीं माना जाएगा उसका, ठीक है। पर ये चीजें जो वॉलेंट्री है या इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री है तो ऑब्वियस सी बात है आप मैजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में नहीं रिकॉर्ड करोगे, बट अगर वॉलेंट्री है तो भी वो मैजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में रिकॉर्ड होना चाहिए, मैजिस्ट्रेट उसको रिकॉर्ड करेगा। दूसरा आप कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी देखते हैं हम वॉलेंट्री वाले की। पहले वॉलेंट्री वाले की क्या कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी इसलिए हो जाती है क्योंकि आर्टिकल 20 क्लॉज 3 जो है जो सेल्फ इंक्रिमिनेशन के अगेंस्ट है, बट क्योंकि पर्सन ने कंसेंट दे दी है तो इस वजह से ये कॉन्स्टिट्यूशनल मान लिया जाता है, बट उसके बाद भी ये कोर्ट में इनएडमिसिबल है। क्या है, भले ही इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी हो गई है कंसेंट की वजह से, बट फिर भी ये कोर्ट में इनएडमिसिबल है। मतलब अगर किसी ने मान भी लिया है कि हाँ मैंने ही ये क्राइम किया है, तो भी उसके द्वारा दिया गया कोई भी आंसर वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होगा। बट उसकी अगर कोई डिस्कवरी होती है, सपोज अगर किसी ने कहा कि हाँ मैं उस दिन उस घर पे गया था, मैंने इस वाले गन से मर्डर किया था और वो गन मैंने गार्डन के पर्टिकुलर एरिया में छुपा के रखी है, तो और फिर उसके बाद में उस पर्सन को उस जगह पे लेके जाया जाता है और उसकी बताई हुई जगह पे उस पर्सन के सामने वहां पे खुदाई की जाती है और वो गन फाइंड होती है, वो गन पाई जाती है, तो वो डिस्कवरी एविडेंस जो कि आर्टिकल सेक्शन 27 इंडियन एविडेंस एक्ट के अंडर कवर होता है उसके अंदर वो एडमिसिबिलिटी हो जाती है। बट अगर हम आते हैं इनवॉलेंट्री पे, इनवॉलेंट्री में क्या है, इनवॉलेंट्री में ये रिकॉर्डेड बाई मैजिस्ट्रेट पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। दूसरा ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा क्योंकि ये 20 क्लॉज 3 का वॉयलेशन करेगा, जो पर्सन की जो राइट है सेल्फ इंक्रिमिनेशन की उसको वायलेट करेगा, तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, इनएडमिसिबल होगा एज यूजुअल। अगर ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो ऑब्वियसली बात है इनएडमिसिबल होगा, बट इसकी भी अगर कोई डिस्कवरी एविडेंस है, अब आप इस तरीके से सोचिए, डिस्कवरी एविडेंस जो है इसका भी वैलिड हो जाएगा या फिर एडमिसिबल हो जाएगा। आप इस तरीके से सोचिए कि बंदा भले ही उसकी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इनएडमिसिबल है, बट फिर भी वो इस तरीके से जाता है, कोई जगह बताता है और वो जगह वो जो मर्डर वेपन है या जो भी चीज है वो फाइंड आउट हो जाती है, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो वापस आके सेक्शन 27 इंडियन एविडेंस एक्ट में फॉल कर जाएगा और वहां पे एडमिसिबल हो जाएगा। तो इससे उम्मीद करते हैं आपको कुछ समझ में आ गया होगा, बट फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में।